नवाज शरीफ ने कोई बदनवारी नहीं की। ब्रॉडशीट के सीईओ ने गलती तस्लीम करते हुए माफी मांग ली। शरीफ फैमिली पर केसेस का जिम्मेदार कौमी एहतसाब ब्यूरो को ठहरा दिया। कावे मूसा ने दावा किया कि उनकी 21 साल तहकीकात में उन्हें बहुत से लोगों की बदनवानी के शवाहिद मिले, लेकिन उनमें से कोई भी नवाज शरीफ या उनके खानदान से मुतालिक नहीं थे। We found a lot of plundered assets, but not one rupee of that could be connected to the Nawaz Sharif family. Broadsheet के सीईओ ने बताया कि वो ये बात रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करते कि नवाज शरीफ पर किसी किस्म की कोई बदनवानी साबित नहीं हुई। I have no hesitation in issuing that apology on the record in the full glare of TV cameras. The facts do not sustain the position that Prime Minister Sharif was corrupt. They do not. Quite the contrary. When you've investigated someone for all these years and have not come up with a scintilla of evidence. गुज़िश्ता बरस मुतादिद मौकों पर कावे मूसा ने दावा किया था कि उनके पास नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन के शवाहिद हैं, और ये भी दावा किया गया था कि शरीफ फैमिली ने उन्हें रिश्वत देने के लिए राबता किया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।